आप देख रहे हैं हक की बात। नाज़रीन, जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश और खरोश से जारी है। हर तरफ स्टॉल्स लगे हैं, घरों में झंडे लगा दिए हैं, बच्चे बूढ़े सब बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन आज हम आवाम से पूछेंगे कि क्या वो उन लोगों को जानते हैं जिनकी अनथक मेहनत की वजह से आज वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं, और उनमें कितना जनरल नॉलेज है। आइए पूछते हैं आवाम से कुछ मज़ेदार से सवाल। मोना, अभी क्या करने आप बाजार आई हैं? हम लोग शर्ट लेने आए हैं 14 अगस्त के लिए। मुझे ये बताएं कि अब आजकल हर बंदा परेशान है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कोरोना। Oh, no. और कोरोना की वजह से रश, शॉपिंग मुश्किल हो रही है। कोरोना की वजह से तो रश कम होना चाहिए, ज़्यादा क्यों हो रहा है? यही तो मसला है कि ज़्यादा क्यों हो रहा है, हम पाकिस्तानियों की वजह से ही तो हो रहा है। हम लोग तो इसका मतलब हल निकालना चाहिए, रश नहीं डालनी चाहिए। मोना, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क मेरा अभी मेरे गाड़ी में उतारा है, पहना हुआ था, बहुत गर्मी लग रही थी। ठीक, अच्छा ये बताएं कि 14 अगस्त की किस तरह आप तैयारियां करती हैं, क्या करती हैं? 14 अगस्त की मैं अभी शर्ट्स वगैरह लेने आए हैं, वाइट ड्रेस, ग्रीन दुपट्टे, ग्रीन जूते, और मतलब ग्लासेस वगैरह, रिंग्स वगैरह, सब कुछ ग्रीन वाइट। और सबसे बड़ी बात, मेरी 14 अगस्त को बर्थडे होती है और मैं तो सेलिब्रेट भी करती हूँ और केक्स लाती हूँ, उस पर फ्लैग बनवाती हूँ केक्स पे, मतलब सेलिब्रेट करते हैं और पूरा पाकिस्तान मेरी बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है। वाइट शर्ट क्यों लेना चाहती हैं? झंडे में वाइट कलर क्यों है? वाइट कलर क्यों है, क्यों है भाई, क्यों है वाइट कलर? ग्रीन दुपट्टा क्यों चाहती हैं? झंडे में ग्रीन कलर क्यों है? ग्रीन कलर क्योंकि झंडे में है, इसलिए ग्रीन कलर लेना चाहती हूँ। झंडे का डिजाइनर का नाम आप खुद जानती हैं? नहीं। झंडा कौन से फेमस डिजाइनर ने डिजाइन किया था, नहीं जानती आप? Oh, no. अगर आजकल के फेमस कोई डिजाइनर झंडा डिजाइन करें तो आप किसको नॉमिनेट करेंगी? कुछ ऐसा नहीं आइडिया नहीं। पाकिस्तान के सदर का नाम बता दें। कौन नहीं जानता? नाम बता दें। बस जानते हैं उसको सब। इमरान खान। इमरान खान, तो ऊंचा बोलिए ना। इमरान खान। बहुत शुक्रिया ज़ियाफ़त साहब। पाकिस्तान के पहले सदर का क्या नाम था? सिकंदर मिर्ज़ा जी। पाकिस्तान के करंट सदर का क्या नाम है? आरफ अलवी। पाकिस्तान के कौमी तराने का म्यूजिक किसने दिया? अफीज जलंधरी। चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? राशिद कुरैशी। राशिद साहब, कितने पैट्रियोटिक हैं आप, कितने हुबुल वतन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत हुबुल वतन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और इस मुल्क की कुर्बानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। राशिद साहब, 14 अगस्त मनाई क्यों जाती है, हुआ क्या था आखिर 14 अगस्त को? 14 अगस्त हमारे लिए बहुत ही यादगार लम्हात वाला दिन है। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। हमारे पाकिस्तान की मेन खुशियां जो हैं हमारी, वो 14 अगस्त के दिन से ही जाके टच करती हैं। 14 अगस्त तो नाकाबले जुनसैना, हमें भूलने वाला दिन हो ही नहीं सकता जुनसैना। हमें हर पाकिस्तानी को 14 अगस्त का दिन बहुत जोश व खरोश के साथ मनाना चाहिए। जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने पाकिस्तान के? जी, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ पहले प्राइम मिनिस्टर गालबन अयूब खान। और पहले सदर कौन थे? पहले सदर आप बताएंगी प्लीज। पाकिस्तान के अब की करंट सदर का नाम क्या है? आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अब के जो करंट सदर हैं। ये जो आपने मफलर पहना है इसमें सफ़ेद रंग क्यों है? पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद रंग होता क्यों है? पाकिस्तान का ये हमारा अमन की निशानी है, सफ़ेद रंग। शुक्रिया। तस्नीम साहिबा, किस तरह आप 14 अगस्त की तैयारियां कर रही हैं, क्या चल रहा है? वो शुक्र किया है कि कोरोना ख़त्म हुआ है और 14 अगस्त शुरू हो गया है। शुक्र अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि सब कोरोना वो 14 अगस्त को सही तरह मना सके। 14 अगस्त में हुआ क्या था आखिर? 14 अगस्त को पाकिस्तान वजूद में आया था। किस मुल्क से आज़ाद हुआ था? हिंदुस्तान से। और जब आज़ाद हो गया था तो पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? वो मैं भूल गई हूँ। पाकिस्तान के करंट सदर का नाम क्या है? कायदे आज़म। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोमिना है।
मोमिना मुझे ये बताएं कि जश्न आज़ादी की तैयारियां आपकी मुकम्मल हो गई? बस हो रही है साथ साथ। अच्छा, एक आसान सा सवाल आपसे पूछूंगी, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट का क्या नाम है? फर्स्ट प्रेसिडेंट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के करंट प्रेसिडेंट का क्या नाम है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। प्रेसिडेंट का नाम? प्रेसिडेंट का नाम, चलें, थैंक यू सो मच मोमिना। इमरान खान हमारे प्रेसिडेंट हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम इसरा है। मुझे ये बताएगा कि आपकी जश्न आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल हो गई? जी, अभी बस थोड़ी चीज़ें रह गई हैं वो लेने आए हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9। ठीक है, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लियाकत अली खान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के करंट प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इमरान खान। इमरान खान प्रेसिडेंट है जी, ठीक हो गया। इमरान खान करंट प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल मुझे ये बताइएगा कि 14 अगस्त की तैयारियां कैसी जा रही हैं? इस दफ़ा वो तैयारी नहीं जो पहले होती थी, अब कारोबार नहीं है, एक तो लॉकडाउन की वजह से बड़ा कारोबार पे असर पड़ा है और उस तरह कुव्वत खरीद नहीं है कस्टमर की। ठीक। अच्छा, आपने बहुत प्यारी प्यारी टी शर्ट्स भी लगाई हुई हैं, पाकिस्तान का झंडा भी बना है, मुझे ये बताइएगा कि झंडे में ये जो सफ़ेद कलर होता है ये क्यों होता है? ये अमन का निशान है ये। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 14 अगस्त की कैसी तैयारी जा रही है? 14 अगस्त की आपके सामने सेलिब्रेशन है, बस आतिशबाजी वगैरह, बाहर आउटिंग ये वो, बाकी मार्केट में तो आप देख रहे हैं क्या पोजीशन है, शर्ट्स ये वो सारे नगमे वगैरह सब लग रहे हैं। कितने हुबुल वतन हैं आप? बहुत ज़्यादा। मुझे ये बताएं कि कौमी तराना सुना है कभी आपने? सुना है मैंने। लिखा किसने है कौमी तराना? इस जलंधरी ने। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था? पहला प्रेसिडेंट आई थिंक लियाकत अली खान। लियाकत अली खान प्रेसिडेंट थे? नहीं, नहीं, वो तो सदर थे। वो सदर थे, वजीर आजम। ठीक, शुक्रिया। क्या नाम है आपका और आप कितने हुबुल वतन हैं? मेरा नाम अब्दुल मोईज है, ठीक है, और हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हमारा जो जज्बा है आप देख सकते हैं, हमने डिस्प्ले वगैरह किया हुआ है, कैमरा मैन भाई प्लीज़ दिखा दें आप, हमने साउंड वगैरह भी लगाया हुआ है उसकी तरफ से, 14 अगस्त के हवाले से डिस्प्ले वगैरह की है, ठीक है, हम हुबुल वतन हैं, ठीक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में कितना जानते हैं आप? पाकिस्तान की हिस्ट्री के वैसे आप सवाल पूछने नहीं चाहती हैं कोई हमारे से, तो पूछ लें आप, हम बता दें। पाकिस्तान का पहला सदर कौन था? पाकिस्तान का पहला सदर जब पाकिस्तान बना तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना किस ओहदे पर फाइज थे? गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। मुझे ये बताएगा कि झंडे में सफ़ेद रंग क्यों होता है? झंडे में सफ़ेद रंग उसकी निशानी है, हमारे अमन का निशान है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद मंसूर नाम है मेरा, मंसूर। मंसूर साहब मुझे ये बताएं कि कितनी आपने तैयारी की है 14 अगस्त की? ये हम लोगों ने काफ़ी तैयारी की हुई है, पूरा मॉल को हमने डेकोरेट करवाया है और माशाल्लाह कौमी नगमे भी लगाए हुए हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आ रहे हैं और पूरे जोश व खरोश के साथ आ रहे हैं। 14 अगस्त हमारा एक कौमी दिन है और इस हवाले से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान के पहले सदर का नाम क्या था? पाकिस्तान के पहले सदर का नाम पहले सदर कायदे आज़म तो नहीं है मेरे ख्याल, तो गवर्नर जनरल थे, सदर का नाम सॉरी। पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितना अर्सा हो गया है? 1947 में हुआ था, अभी लगा लें 2020 जा रहा है। चले मुझे ये बताएं कि हमारा कौमी तराना इसकी धुन किसने बनाई थी, म्यूजिक किसने दिया था? ये हफीज़ जलंधरी। पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में कितना जानते हैं आप? मैम इतना तो नहीं जानता खैर, लेकिन ये है कि हल्का फुल्का ही पता है कि हम इधर रहते हैं, हमारा मुल्क है, लेकिन ये है कि जौन जौन से हैं यानी कि पुराने इस हिस्ट्री इतनी पड़ी यानी कि इतनी पड़ी मैंने, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छा हमारा मुल्क है, ठीक है, हरेली भी सबसे ज़्यादा है हमारे मुल्क, ख़ास तौर पे कश्मीर सबसे अच्छा बेस्ट मुल्क है, इलाका है इनके एरिया जो उनसे है, ठीक है। कश्मीर आपको सबसे अच्छा मुल्क लगता है, आप मुझे ये बताएं कि हमारा कौमी शायर कौन है?
यही है, पाकिस्तान में हम रहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कश्मीर हम जाते हैं घूमने, तो इसके अलावा काफ़ी अच्छा फील करते हैं, ठीक है। तो बस यही। पाकिस्तान के पहले सदर का नाम बताएं। मैम, पाकिस्तान के पहले सदर का नाम यहिया खान था, ठीक है, और यही पहले सदर यही थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं कि यौमे आज़ादी की किस तरह की आपकी तैयारियां चल रही हैं? बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, आप देख सकती हैं बाहर का भी माहौल इस वक्त बहुत गर्म हुआ हुआ है, और इंशाल्लाह 14 अगस्त ऐसे मनाएंगे कि पाकिस्तान इंडिया भी एक दफ़ा काम जाएगा कि जवानों में इतना खून किस तरह उभरा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में कितना जानते हैं आप? एक्चुअली इतना तो नहीं है, लेकिन अपनी एज के हिसाब से काफ़ी सारे नॉलेज है मुझे, जिस तरह के पाकिस्तान में किसने करारदाद थे, किस तरह मंसूबे हुए, किस तरह जंगें चली, इसके हवाले से। जंगों के बारे में जानते हैं और इंडिया को भी कह रहे हैं कि काम जाएगा, तो बताएं पाकिस्तान का और इंडिया का मसला क्या है आखिर? एक्चुअली क्या है ना कि हमारी हर छोटी छोटी बात पर ना हमारा मेन चीज़ ये होती है कि इंडिया को मसला होता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आर्मी से। तो इंशाल्लाह ये उनकी जो आग है ना, ये ख़त्म कर दी जाएगी, पाकिस्तानी आर्मी ख़त्म कर देगी। पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर पे क्या इशू है और चाइना का क्या रोल है इसमें? इसका थोड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन ये इतना सुना है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान ने जो है ना हमारे नक्शे में आ चुका है, और इसके अलावा कोई आइडिया नहीं। नक्शे में आने से कश्मीर हमें मिल जाएगा? इंशाल्लाह जी, ज़रूर मिलेगा। दुआएं होनी चाहिए सब मुसलमानों की। दुआएं और नक्शे के साथ कश्मीर हमारा है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के पहले सदर का क्या नाम था? पाकिस्तान के पहले सदर का नहीं आया। पाकिस्तान के अब के जो करंट सदर है उनका नाम क्या है? सदर जो है ये है उस्मान उब्दार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, फैसल कुरैशी। फैसल साहब, मुझे ये बताएं कि कितने पैट्रियोटिक हैं आप? कितने पैट्रियोटिक हूँ? 50% 50% है। तो ये बताएं कि पाकिस्तान का आपने कौमी तराना तो सुना होगा, कौमी तराने की धुन किसने दी, किसने म्यूजिक दिया? म्यूजिक किसने दिया या इसको राइट किसने किया? म्यूजिक किसने दिया? म्यूजिक का नहीं, सॉरी, नो आइडिया। पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद रंग क्यों है? अमन की निशानी है, अमन की। पाकिस्तान का पहला सदर कौन था? पहला सिकंदर मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, अमार यूसुफ नाम है मेरा। अमार, किस तरह यौमे आज़ादी की तैयारियां चल रही हैं आपकी? तैयारियां काफ़ी अच्छी चल रही हैं, हमने शॉपिंग वगैरह भी काफ़ी की है और झंडे वगैरह अपने घरों को सजाया, गली मोहल्लों को सजाया है, बस इसी तरह इंजॉय करते फिरते हैं। झंडे में सफ़ेद रंग क्यों होता है? ये अकलियत को, ये अकलियत जो अपने ममालिक में, अपने मुल्क में अकलियत जो है उसको ये वो मतलब निशानदही उसकी करता है, और सबज़ मुसलमानों की। सब मुसलमानों की भी निशानदही करता है सबज़ ग्रीन। ठीक, मुझे ये बताइएगा कि हमारा कौमी तराना किसने लिखा था? ये तो मुझे नहीं पता। कौमी तराने का म्यूजिक किसने दिया था? ये भी नहीं पता। पाकिस्तान के पहले सदर का नाम क्या था? ये भी नहीं पता। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म का नाम क्या था? ये भी नहीं पता। आपके जो करंट सदर है उनका नाम पता है आपको? इमरान का नहीं, वो डॉक्टर कौन सा? नहीं नहीं, वो भी नहीं याद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सिराजुल हक। सिराजुल हक, मुझे ये बताएं कि 14 अगस्त की तैयारियां किस तरह कर रहे हैं आप? बस इधर ये क्या तैयारी कर रहे हैं, घर से आते हैं बस इधर आ जाते हैं, काम करते हैं, बस अच्छी तैयारी है बस। झंडा देखे पाकिस्तान का? क्यों नहीं देखे। सफ़ेद रंग झंडे में क्यों होता है? सफ़ेद रंग मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ग्रीन है वो मुस्लिम के लिए इस्तेमाल। पाकिस्तान की अब सदर मुमलिकत कौन है? डॉक्टर सदर आरिफ अलवी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम बताएं? मेरे ख्याल में लियाकत अली खान। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अज़ान। मुझे बताएं कि किस तरह की आपकी तैयारियां चल रही हैं 14 अगस्त की? 14 अगस्त देखें, लॉकडाउन था, लॉकडाउन हो या ना हो, हमने तो 14 अगस्त वैसे ही मनानी है जैसे कि हम पिछले साल की रूटीन में मना रहे थे। बाकी ये है कि काफ़ी रौनक उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए मार्केट में, पर यह है कि हम लोगों ने अपना पूरा सिस्टम रखा हुआ है, शर्ट्स हैं, बैलून्स हैं, वो बाजे हैं, सब कुछ हमने यानी कि जो उनसे ना काफ़ी किया हुआ है। आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त? हम सब दोस्त इकट्ठे होते हैं, पिछली बार तो हम लोग लाल हवेली गए थे तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा है, अब इस बार देखते हैं कल क्या सदर में कुछ होगा या नहीं,
बाकी यहाँ पर तो आगे पीछे कुछ भी नहीं होता। व्हीलिंग करते हैं आप, हॉर्न बजाते हैं, लोगों को छेड़ते हैं बाजारों में? नहीं, हम सिर्फ हॉर्न बजाते हैं और बाकी ये ही अपना दोस्त सेलिब्रेट करते हैं, बाकी व्हीलिंग शीलिंग वाला तो काम हम नहीं करते। ये बताइएगा कि 14 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, हुआ क्या था आखिर 14 अगस्त में? 14 अगस्त में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, और क्या हुआ था? किससे आज़ाद हुआ था? इंडिया से हुआ था, इंडिया के साथ हमारी जंग थी। इंडिया के साथ जंग थी, तो हम क्यों कहते हैं कि अंग्रेजों ने कब्जा किया था? नहीं, अंग्रेजों को तो हमने निकाला था ना यहाँ से, अंग्रेजों को तो हमने मार के निकाला था। अंग्रेज तो बैठे हुए थे हमारे मुल्क में, उन्हें तो हमने भगाया। अच्छा, पहले हमने इंडिया के साथ जंग की और फिर अंग्रेजों को निकाला? नहीं, अंग्रेजों को भी हमने साथ ही निकाला है, उनके दोनों को एक साथ निकाला था। अच्छा, फिर पाकिस्तान बन गया, तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे पाकिस्तान के? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, ये मुझे नहीं पता। पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दें। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना? नहीं, कायद आजम मोहम्मद अली। आपके प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दें। इमरान खान। आपके प्रेसिडेंट का नाम बता दें। प्रेसिडेंट का नहीं पता। आपके सदर का नाम नहीं जानते आप? आरिफ अलवी। ये कौन है? हमारे मुल्क के सदर है। तो उस्मान बुज़दार कौन है? वो वज़ीर-ए-आला है मेरे ख्याल, वज़ीर-ए-आला। तो शाह महमूद कुरैशी कौन है? मैं खबरें नहीं देखता। शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से ये बात साबित हुई कि हमारी नौजवान नस्ल को तालीम के हसूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो 14 अगस्त पे जश्न तो मनाए, लोगों को तंग करने के बजाय तालीमी मैदान में मेहनत करे, ताकि किसी से पीछे ना रहे और एक अच्छा शहरी होने का सबूत दे। पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म का ख्वाब था, वो इसी तरह मुमकिन है जब हमारे नौजवान मेहनत करेंगे और तालीम हासिल करेंगे। एक नए एपिसोड के साथ आएंगे, क्योंकि आपको सुनानी है हक की बात, आप तक पहुंचानी है हक की बात। देखते रहिए हक की बात, पाकिस्तान जिंदाबाद।